पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे ऐसा लगता है जो मेरी सास है ना, इन्होंने ना सबको सर पे चढ़ा रखा है। सही है ना? ना ना ना, तेरी होने वाली सास ने नहीं बेटा, क्योंकि तेरी होने वाली सास तो खुद ही एक नंबर की खड़ूस लगती है। ऐसा लगता है जैसे सबके सर पे चढ़ के ना नाचती होगी। हाँ यार, नहीं ये जो राखी लूथरा है ना, तेरी होने वाली दादी सास, इन्होंने सबको सर पे चढ़ा रखा है। कोई बात नहीं, एक बार ना मुझे शादी करके आने दो। किसको सर पे चढ़ाना है और किसको सर से उतारना है ना, ये सारे मेरे डिसीजन होंगे। हाँ, सब कुछ ठीक कर दूंगी, ये सही रहेगा। माय गॉड, तू ना मुझे आज एक चीज सच सच बता दे। तूने घर पे सबको झूठ बोला ना कि तू डॉक्टर है। हाँ, तो कुक है ना इस घर में? नहीं, मैं कुक नहीं, मैं डॉक्टर ही हूँ। मैं डॉक्टर हूँ तो दादी की हेल्थ और उनकी डाइट मेंटेन करना भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना। रियली? डॉक्टर्स ये सब भी करते हैं? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। नॉट एग्जैक्टली, पर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करती हूँ क्योंकि उनसे एक्स्ट्रा प्यार भी करती हूँ। और जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आप उस इंसान के लिए कुछ भी कर सकते हो। प्यार का कोई क्राइटेरिया नहीं होता शनाया। समझी। वैसे तुझे कुछ चाहिए था? हाँ, पानी पिलाना जल्दी, जोर से प्यास लग रही है। तू अपने हाथ से लेके नहीं पी सकती? नहीं, अब जल्दी दे। अच्छा एक बात बता, तेरे और राजवीर के बीच कुछ चल रहा है क्या? मेरे और राजवीर के बीच? मेरे और राजवीर के बीच क्या चल रहा है? मतलब मेरे और राजवीर के बीच प्यार? तूने अभी तो बोला ना कि प्यार का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। और नहीं होता, राजवीर ना ही रियली लाइक्स मी, बहुत पसंद करता है मुझे। और तू? हाँ, ऑफ कोर्स मैं भी। आई मीन, इतना सच्चा, इतना स्वीट, इतना क्यूट, हैंडसम भी तो है यार। मतलब उसको ना ना कहने वाली ना कोई बात ही नहीं है यार। तुझे पता है, ही इज ना माय रियल हीरो। आई मीन, मैं जब से मुंबई में आई हूँ ना, एक वही तो है जो हमेशा मेरे आसपास रहता है, मेरी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। पता है, बहुत समझता है मुझे, काफी साथ देता है मेरा। राजवीर का नेचर ही ऐसा है, वो सबका साथ देता है और बहुत ही हेल्पिंग नेचर वाला। तो गलत समझ रही है, ये ना वो कॉमन वाली हेल्प नहीं करता, वो मेरी स्पेशल वाली करता है, और स्पेशली करता है। अच्छा अब तू ये बता कि वो हमेशा क्यों मेरे लिए एवर रेडी रहता है? मतलब मैंने उसको बोला कि मुझे लूथरा हाउस जाना है, तो ना अपना सारा काम धाम छोड़ के ना मुझे यहाँ ड्रॉप करने आ गया। अब तू ये बता, हम मुंबई में रहते हैं ना, यहाँ तो ऑटोज हमेशा अवेलेबल रहते हैं, पर नहीं, मतलब वो चाहता ही नहीं है कि मैं बेचारी अकेली हामा भटकू। वो ना मेरे साथ 24/7 रहना चाहता है, तो समझ रही है ना। अब बाकी की चीजें ना तो उससे जाकर पूछना, मुझसे मत पूछना, मैं लेट हो रही हूँ, बाय। अरे शौर्य, तुम यहाँ कैसे? वो I was just passing by. Anyway, bye. Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।